अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश ग्रामर लेसन। आज के लेसन में हम वुड को पढ़ेंगे। वुड एक ऐसा मॉडल वर्ब है जो स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है, क्योंकि इसकी वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। ये मुख्तलिफ किस्म के सेंटेंसेस में इस्तेमाल होता है और हर सेंटेंस में इसका जो मतलब है वो दूसरे से मुख्तलिफ हो जाता है, ठीक है। इस वजह से ये स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज करता है, और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने इसके जितने भी यूजेज़ हैं उन सबको इस लेसन में इकट्ठा किया है, इसको प्रिपेयर किया है, और इन सब यूजेज को मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझाऊंगी। तो आज का लेसन जो है वो आप लाजमी एंड तक देखिएगा, इसको बीच में क्विट मत कीजिएगा, क्योंकि इस लेसन को अगर आप एक दफ़ा पूरा देख लेंगे और इन तमाम यूजेस को आप अगर एक दफ़ा समझ लेंगे तो आपको इंशाल्लाह आज के बाद कभी भी वुड के इस्तेमाल को लेकर कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। आप बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ वुड का इस्तेमाल अपनी स्पीकिंग में भी करेंगे, राइटिंग में भी करेंगे, और अगर कोई और इस्तेमाल कर रहा है तो आपको फौरन समझ आ जाएगी कि इसको ये क्यों कह रहा है, इसका क्या मतलब है इस सेंटेंस का, ठीक है। तो इस लेसन को आप एंड तक देखिएगा। तो आज का लेसन शुरू करते हैं। इसका जो फर्स्ट यूज है वो है टू एक्सप्रेस योर इमेजिनेशन। ये बहुत कॉमन है और अक्सर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। इसमें ये होता है कि आप अगर अपनी कोई इमेजिनेशन को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, आप कोई कोई चीज है वो इमेजिन कर रहे हैं कि ये ऐसा होगा, तो अगर ऐसे कोई सेंटेंस को आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो उसमें वुड इस्तेमाल होता है। अभी हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है हाइकिंग वुड बी फन। आपने अक्सर देखा होगा स्टूडेंट जो फ्रेंड्स वगैरह हैं वो अगर इकट्ठे बैठे हुए हैं और किसी बात को अगर डिस्कस कर रहे हैं तो इस तरह के सेंटेंसेस बड़े यूज होते हैं कि दैट वुड बी फन, दैट वुड बी ग्रेट, दिस वुड बी ग्रेट, इस तरह के जो सेंटेंसेज होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी कोई इमेजिनेशन जो है, जो आप सोच रहे हैं कि अच्छा यार ये चीज़ तो बड़ी मज़े की होगी, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो है आप वुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप सोच लें कि दो तीन फ्रेंड्स बैठे हैं और वो प्लान कर रहे हैं कि हम जो है ना इस वीकेंड में क्या करें। कोई फ्रेंड कहता है कि चलो मूवी देखने जाते हैं, कोई कहता है कि नहीं बाइक राइडिंग करते हैं, एक फ्रेंड कहता है कि नहीं हाइकिंग करते हैं, तो दूसरे को क्या लगता है कि हाइकिंग वुड बी फन, कि हाइकिंग में मज़ा आएगा, तो चलो हाइकिंग करते। तो ये एक इमेजिनेशन वो है उसकी कि हाइकिंग में मज़ा आएगा, अभी किया नहीं है उस मज़े को, उस फन को इंजॉय नहीं किया, उसको एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन वो इमेजिन कर रहा है कि अगर हम हाइकिंग करेंगे तो हमें मज़ा आएगा, इट वुड बी फन। तो इसलिए हमने इसको वुड का इस्तेमाल किया है यहाँ पे। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, यू वुड लुक ग्रेट इन रेड। अब हो सकता है दो फ्रेंड्स हैं, वो तैयार हो रही हैं और वो कहीं जाना है उन्होंने, और वो जो है ना मतलब डिस्कस कर रही हैं आपस में कि मुझे किस कलर कौन सा ड्रेस पहनना चाहिए, ग्रीन पहनूँ, वाइट पहनूँ, येलो पहनूँ, रेड पहनूँ। और दूसरी जो फ्रेंड है वो कहती है कि यू वुड लुक ग्रेट इन रेड, कि तुम रेड पहनो, इसमें तुम अच्छी लगोगी, ठीक है। ये भी एक इमेजिनेशन है ना, अभी उसने रेड पहना नहीं है, अभी पता नहीं कि रेड पहनकर जो है वो कैसी लग रही है, लेकिन उसने इमेजिन किया कि अगर ये रेड पहनेगी तो ये अच्छी लगेगी। तो आपने अगर अपनी इमेजिनेशन कहीं पर एक्सप्रेस करनी है तो वहाँ पर आप वुड का इस्तेमाल करेंगे। देखिए यहाँ पर विल का इस्तेमाल नहीं है, विल करते हैं लोग, लेकिन विल का मतलब ये होता है कि आप जो है ना इमेजिनेशन नहीं एक्सप्लेन कर रहे, आप सर्टन हो रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अगर आप कहेंगे ना यू विल लुक ग्रेट इन रेड, तो इसका मतलब है कि तुम जो है ना वाकई इसमें जो है ना अच्छी लगोगी। विल हमेशा सर्टेनिटी को जो है ना वो एक्सप्रेस करता है, लेकिन अगर हम वुड का इस्तेमाल करेंगे तो ये एक पॉसिबिलिटी को, ये एक इमेजिनेशन को एक्सप्रेस करता है। तो इसलिए ऐसे सेंटेंसेस में जहाँ पर आपने इमेजिनेशन या पॉसिबिलिटी को एक्सप्लेन करना हो तो आप वुड लगाते हैं। हाँ, थर्ड एग्जाम्पल इज इट वुड बी अ स्ट्रेनियस एक्टिविटी। देखिए स्ट्रेनियस का मतलब होता है ऐसी एक्टिविटी जो बड़ी मुशक्कत तलब हो, जिसमें बहुत एफर्ट लगती हो, ठीक है। तो जिस चीज़ में बहुत एफर्ट लगेगी, जिसमें बहुत मुशक्कत लगेगी, उसमें फिजिकल एक्टिविटी कोई भी ऐसी है तो वो थका देने वाली होगी। तो वो कहीं कोई एक्टिविटी है, हो सकता है कोई गेम है, हो सकता है कि कोई जिम में कोई वर्कआउट है, कोई भी ऐसी चीज़ है, तो उसको एक्सप्लेन करें कि अच्छा ये करते हैं, तो दूसरा फ्रेंड देखे कहता है कि इट वुड बी अ स्ट्रेनियस एक्टिविटी, कि ये जो एक्टिविटी है ना, ये जो हम करने का सोच रहे हैं, ये थोड़ी थका देने वाली लग रही है, थोड़ी मुशक्कत तलब लग रही है, कि इसमें जो फिजिकल एफर्ट है वो काफ़ी लगेगी, ठीक है। तो देखिए अभी करके देखा नहीं है, लेकिन वो इमेजिन कर रहा है कि ये ऐसी ही होगी, तो वो उसकी इमेजिनेशन को एक्सप्लेन करने के लिए वो इसमें वुड का इस्तेमाल कर रहा है। इसका जो सेकेंड इसका जो इस्तेमाल है वो है टू एक्सप्लेन व्हाई समवन डिड समथिंग। देखें किसी ने कोई काम किया और आपको नहीं मालूम कि वो इसने ये काम क्यों किया,
अगर उसको एक्सप्लेन करना हो कि फ़लाँ इंसान ने फ़लाँ काम इस वजह से किया, तो इस तरह के सेंटेंसेस को एक्सप्लेन करने के लिए भी हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। अभी आप एग्जांपल्स देखें तो आपको समझ आ जाएगी। अब फर्स्ट एग्जांपल इज़ ही लेफ्ट अर्ली सो दैट ही वुड रीच स्टेशन इन टाइम। देखिए आप इसको गौर से देखिएगा, इस सेंटेंस को वो कह रहा है कि एक काम उसने किया कि वो सुबह जल्दी चला गया, सुबह चला गया जिस टाइम पे, मतलब वो एक जगह पे थे लोग और वो उस जगह से जल्दी चला गया। और दूसरा पूछा है कि इतना जल्दी क्यों चला गया, तो दूसरा इंसान जो है वो उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि ही लेफ्ट अर्ली, वो जल्दी इसलिए गया है सो दैट ताकि ही वुड रीच स्टेशन इन टाइम। उसने स्टेशन पहुंचना है या जहां भी पहुंचना है, ये तो एग्जांपल दी है कि कहीं भी उसने पहुंचना है तो वो ये चाह रहा था कि वो टाइम पर पहुंच जाए। ठीक है, तो एक काम उसने किया कि वो जल्दी गया, तो उसके उस काम को एक्सप्लेन करने के लिए कि वो क्यों जल्दी गया, उस रीज़न को बयान करने के लिए हम यहाँ पर वुड लगाएंगे, यहाँ पे हम विल नहीं लगाएंगे। ठीक है, इसकी सेकेंड एग्जांपल देखें, शी आयर्नड योर शर्ट सो दैट यू वुडंट बी लेट। उसने तुम्हारी शर्ट इस्त्री की ताकि तुम लेट ना हो, ताकि तुम्हारे अगर कपड़े तुम्हें जल्दी से इस्त्री मिल जाएं तो तुम फौरन पहनकर फौरन जा सकते हो। ठीक है, तो इसमें भी रीज़न को एक्सप्लेन किया कि उसने तुम्हारी शर्ट क्यों इस्त्री की, ताकि तुम लेट ना हो, तुम टाइम पर पहुंच जाओ। थर्ड एग्जांपल इज शी वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग सो दैट शी वुड मेडिटेट। देखो कि वो जल्दी सुबह उठती है ताकि वो मेडिटेट कर सके, वो मेडिटेशन कर सके। ठीक है, बहुत से लोग होते हैं मेडिटेशन जो करते हैं, उनको मालूम है कि सुबह का जो अर्ली मॉर्निंग का जो टाइम होता है वो इसके लिए बेस्ट होता है। तो वो सुबह क्यों जल्दी उठती है, ताकि वो मेडिटेशन कर सके। इसका जो थर्ड यूज़ है वो है टू एक्सप्रेस योर विश। अगर आपने अपनी कोई विश, अपनी कोई ख्वाहिश जो है उसको एक्सप्रेस करना हो कि काश ये ऐसा हो जाए, या काश ये वैसा होता, या काश ये ऐसा हो जाता, तो जो इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं ना जिसमें आपने अपनी एक विश को एक्सप्लेन करना हो, अपनी एक काश को एक्सप्रेस करना हो, तो इस तरह के सेंटेंसेस में भी आप वुड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसका देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, आई विश यू वुड ज्वाइन आर्मी। हो सकता है ये मदर कह रही है अपनी अपने बेटे को, या हो सकता है ये बहन कह रही है अपने भाई को, या कोई भी इस तरह से कि मेरी ख्वाहिश है कि तुम ना आर्मी ज्वाइन करो। देखिए इसने ख्वाहिश को बयान किया कि काश तुम आर्मी ज्वाइन करते, या मेरी ख्वाहिश है कि तुम आर्मी ज्वाइन करो। तो इस तरह के जो सेंटेंसेज हैं जो आई विश के साथ जो स्टार्ट होते हैं, आप उसमें वुड का इस्तेमाल करेंगे, विल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आई विश यू वुड ज्वाइन आर्मी, मेरी ख्वाहिश है कि तुम आर्मी ज्वाइन करो। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल देखें, आई विश माय सन वुड स्टॉप वेस्टिंग टाइम ऑन वीडियो गेम्स। ये अब एक मदर जो है वो अपनी ख्वाहिश बयान कर रही है कि मैं चाहती हूँ कि काश जो मेरा बेटा है ना वो वीडियो गेम्स में अपना टाइम वेस्ट करना छोड़ दे, ताकि वो अपना ज़्यादा वक्त जो है वो अपनी स्टडीज़ पे लगाए। तो वो ज़्यादा वक्त शायद वीडियो गेम्स खेलने में लगाता है और उसमें काफ़ी टाइम लगा देता है। तो मदर की ख्वाहिश है, तो मदर अपनी ख्वाहिश को एक्सप्रेस कर रही है, आई विश माई सन वुड स्टॉप वेस्टिंग टाइम ऑन वीडियो गेम्स, कि मेरा जो बेटा है वो वीडियो गेम्स के ऊपर जो टाइम वेस्ट करना छोड़ दे। थर्ड एग्जाम्पल इज सारा विश आई वुड ज्वाइन म्यूजिक क्लासेस। आप देखिए अब ये सारा की विश है कि मैं जो हूँ ना वो म्यूजिक क्लासेस ज्वाइन कर लूँ, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या कहेंगे, सारा विश आई वुड ज्वाइन म्यूजिक क्लासेस। तो यहाँ पर भी हम वुड का इस्तेमाल करेंगे। वुड का जो फोर्थ इस्तेमाल है वो है टू एक्सप्रेस व्हाट यू लाइक, लव और हेट। देखें वहाँ पर पीछे हमने ख्वाहिश को एक्सप्रेस करने के लिए वुड का इस्तेमाल किया कि आई विश, लेकिन समटाइम्स हम अपनी लाइकनेस को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, या लाइकनेस से भी बढ़कर समटाइम्स होता है ना कि हम किसी चीज़ को बहुत प्यार से करना चाहते हैं। ठीक है, कुछ होता है कि मुझे बहुत पसंद है कि मैं ये करूं, और एक पसंद से ज़्यादा करना हो, एक्सप्रेस करना हो ख्वाहिश को, तो हम क्या कहेंगे, आई लव टू डू दैट। ठीक है, और समटाइम्स हम कोई चीज़ नहीं करना चाहते, हम डिसलाइक करते हैं, हम हेट करते हैं उस चीज़ को करने में। तो इस तरह के जो इमोशंस हैं, जो लाइकनेस का या जो लव का या जो हेट का इमोशन है वो किसी भी काम को करने का, उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी हम वुड का इस्तेमाल करेंगे। देखिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं, आई वुड लाइक टू टेक टी विदाउट शुगर, कि मैं जो हूँ ना चाय बगैर शक्कर के लेना पसंद करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपने अपनी लाइकनेस जो है उसको एक्सप्रेस किया है कि मैं जो हूँ जो टी है वो ऐसी लेना चाहती हूँ जिसमें कि चीनी ना हो, जिसमें कि शक्कर ना हो। ठीक है, आर सेकेंड एग्जाम्पल इज आई वुड लव टू ज्वाइन यू फॉर दैट मूवी।
देखें, हो सकता है कि दो तीन फ्रेंड्स हैं जो कि मूवी देखने जा रहे हैं, उनका प्लान बन रहा है और वो अपनी किसी तीसरी फ्रेंड से पूछ रहे हैं कि क्या तुम हमारे साथ चलोगे फिलहाल मूवी देखने के लिए, और उस वो मूवी जो शायद वो जो तीसरी फ्रेंड जिसे पूछा जा रहा है उसको वो मूवी शायद बहुत पसंद है और शायद वो बहुत देर से प्लान कर रही थी उसको देखने के लिए, तो वो अपनी इस लाइकनेस को जो कि बहुत ज़्यादा है, देखें जब किसी चीज़ की ख्वाहिश या लाइकनेस बहुत ज़्यादा हो तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लाइक की जगह पर लव का वर्ड इस्तेमाल कर दें, ठीक है। तो वो चाह रही है कि मैं उसको बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है कि हाँ वो मूवी देखना जाना चाहती है, तो वो क्या कहेगी, आई वुड लव टू ज्वाइन यू फॉर दैट मूवी, कि मैं तो बहुत दिल से चाहती हूँ कि मैं तुम लोगों के साथ ज्वाइन करूँ उस मूवी को देखने के लिए, तुम लोगों के साथ जाकर वो मूवी देखूँ, ठीक है। आ थर्ड एग्जाम्पल इज आईड हेट टू बी ट्रीटेड लाइक एन आउटसाइडर। देखें यहाँ पर अब हम एक हेट का जो इमोशन है उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं। अच्छा उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो आईड है ये आई वुड का कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है। आईड का मतलब होता है आई वुड, अगर उसको आपने कॉन्ट्रैक्ट करके लिखना है तो आप लिखेंगे आईड और इसको आईड पढ़ेंगे, ठीक है। आईड हेट टू बी ट्रीटेड लाइक एन आउटसाइडर, कि मुझे बहुत नापसंद है कि मुझे कोई जो है ना एक आउटसाइडर की तरह ट्रीट करे, एक बाहर वाले इंसान की तरह जो है ना मुझे ट्रीट किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर भी वो एक अपना इमोशन, एक हेट का जो इमोशन है, एक काम है जो उसको नहीं पसंद है, वो उस काम को नफरत करती है कि उसके साथ ऐसा हो, ठीक है। तो उस नफरत को, उस जो है ना उस नापसंदीदगी को एक्सप्रेस करने के लिए ये एक इमोशन है, तो उसके लिए भी आप जो है ना वुड का इस्तेमाल करेंगे कि आई हेट टू बी ट्रीटेड लाइक एन आउटसाइडर, कि मुझे बहुत बुरा लगेगा कि अगर मुझे एक आउटसाइडर की तरह जो है वो ट्रीट किया जाए। वुड का जो पांचवा इस्तेमाल है वो है टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन, ठीक है। समटाइम्स आप किसी चीज के बारे में अपनी ओपिनियन देना चाहते हैं और यू आर नॉट सर्टन, आपको बहुत ज़्यादा मतलब कि कंफर्म नहीं है कि जो मैं अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ या दे रही हूँ वो 100% ट्रू है, लेकिन आपका एक गेस है कि शायद ये ऐसे ही है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपने अपना किसी चीज़ के बारे में कोई ओपिनियन देना है जिसमें आप 100% सर्टन नहीं है, आपका एक गेस है, तो उसके लिए भी आप वुड का इस्तेमाल करेंगे। इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। आई'ड से ही इज़ अ नाइस गाय, मैं कहूँगी कि वो एक अच्छा इंसान है। देखिए अब वो 100% उस इंसान को नहीं जानती, लेकिन अभी जो थोड़ा बहुत उसने बात की है या थोड़ी बहुत जो मुलाकात हुई है तो उसमें उसको लगता है कि वो शायद एक अच्छा इंसान है, तो वो कह रही है कि आईड से कि मेरा ख्याल है या मेरी ओपिनियन है ही इज़ अ नाइस गाय, कि वो एक अच्छा इंसान है, ठीक है। आर सेकेंड एग्जाम्पल इज आईड से यू शुड टेक दिस जॉब, कि मेरी ओपिनियन है कि तुम्हें ये जॉब जो है वो ले लेनी चाहिए, तुम्हें ये जॉब कर लेनी चाहिए, ठीक है। हो सकता है कि किसी को कोई जॉब ऑफर आई है और वो अपने किसी फ्रेंड के साथ डिस्कस कर रही है और उसने सारे उस जॉब के जो प्रोज एंड कॉन्स हैं, जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, टाइमिंग्स हैं, सैलरी है, जो भी पैकेज मिल रहा है और जो भी उसकी पर्सनल सिचुएशन है वो सब एक्सप्लेन की है। एक्सप्लेन करने के बाद हो सकता है जिस फ्रेंड से वो मशवरा ले रही है वो कह रही है कि वो सारी चीज़ों को मद्देनजर रख के कि मेरा ख्याल है कि तुम्हें ये जॉब ना कर लेनी चाहिए, तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। अब 100% श्योरिटी नहीं है, लेकिन वो अपनी एक ओपिनियन दे रही है जिसमें कि उसका गेस है कि ये जॉब कर लेना जो है मेरी फ्रेंड के लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशंस में जहाँ पर आप 100% श्योर नहीं है, आप जस्ट अपनी एक ओपिनियन दे रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप वुड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि इसकी थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। आईड इमेजिन योर हाइट इज़ अबाउट 6 feet, कि मैं इमेजिन कर रही हूँ या मेरा गेस है कि तुम्हारी जो हाइट है ना वो शायद 6 feet के लगभग है, ठीक है। अब वो सर्टन नहीं है, उसको 100% श्योरिटी नहीं है कि वाकई उसकी जो हाइट है वो 6 feet ही है, लेकिन वो एक अंदाज़ा लगा रही है कि आईड इमेजिन योर हाइट इज़ अबाउट 6 feet, के मेरी मेरा ख्याल है या मेरा ओपिनियन है कि तुम्हारी जो हाइट है वो 6 feet के लगभग होगी, ठीक है। अब इसका 6 यूज़ देखते हैं। इसका 6 यूज़ है कि अगर आपने कोई पोलाइट रिक्वेस्ट करनी हो या किसी को ऑफ़र देनी हो या कोई इनविटेशन हो किसी को देनी हो। देखें जब आपने विल इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब है कि आप इनफॉर्मल हो रहे हैं, आप फ्रेंडली हो रहे हैं, लेकिन अगर आपने किसी सिचुएशन में किसी को कोई रिक्वेस्ट करनी है कोई काम करने के लिए या किसी को कोई इनविटेशन देना है या किसी को कोई ऑफ़र करनी है, ठीक है, तो आपने जब पोलाइट होना होता है, आपने जब फॉर्मल होना होता है, तो आप वुड का इस्तेमाल करते हैं। हमारे एग्जाम्पल्स देखते हैं। वुड यू हेल्प मी इन मैथ्स, हो सकता है कि आपका मैथ्स वीक है और किसी दूसरे आपके दोस्त का, लेकिन उसके साथ आपकी कोई बहुत क्लोज फ्रेंडशिप नहीं है या कोई बड़ा है फैमिली में
या आपके किसी दोस्त का बड़ा भाई है या बड़ी बहन है जो मैथ्स में बहुत अच्छी है और आपको मैथ्स में जो है ना वो हेल्प चाहिए, तो आप उससे जाकर हेल्प मांग रहे हैं, ठीक है, ये एक रिक्वेस्ट है और आपने बहुत पोलाइटली और बहुत फॉर्मली वो रिक्वेस्ट करनी है, तो इसमें आप विल नहीं लगाएंगे, इसमें आप वुड लगाएंगे और वुड लगाकर आप कहेंगे वुड यू हेल्प मी इन मैथ्स, कि क्या आप मेरी मदद करेंगे मैथ्स में, कि आप मुझे थोड़ा समझा दें क्योंकि मेरा मैथ्स जो है वो थोड़ा वीक है, ठीक है। आर सेकेंड एग्जाम्पल इज वुड यू ज्वाइन अस इन बॉनफायर। देखिए अब ये एक इन्विटेशन है कि आपके शायद आप बॉनफायर जो है वो अरेंज कर रहे हैं, बॉनफायर जो पार्टी होती है जो सर्दियों में अक्सर अरेंज की जाती है, तो अगर आप वो बॉनफायर अरेंज कर रहे हैं और आप अपने किसी दोस्त को जिसके साथ आपकी बहुत ज़्यादा जो है ना वो क्लोज़ फ्रेंडशिप नहीं है, आपकी बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल आपका रिलेशन ही थोड़ा फॉर्मल है और आपने पोलाइटली उसको इन्वाइट करना है किसी को अपनी बॉनफायर पार्टी में, तो उस पोलाइट इनविटेशन को आप किस तरह से कहेंगे? आप विल नहीं कहेंगे, आप वुड कहेंगे, कहेंगे कि वुड यू ज्वाइन अस इन बॉनफायर, कि क्या आप हमें बॉनफायर में ज्वाइन करेंगे कि हम इसको अरेंज करें और आप भी हमें ज्वाइन कर लें, ठीक है। आप थर्ड एग्जांपल इज वुड यू प्ले विद मी, ठीक है, कि क्या आप मेरे साथ खेलेंगी, हो सकता है ये खेलेंगे। देखिए किसी को आपने आप कोई गेम खेल रहे हैं, कोई स्पोर्ट खेल रहे हैं और आप चाह रहे हैं किसी और को भी कि वो भी साथ में खेले, ठीक है, और उसको आपने अगर इनवाइट करना है तो आप क्या कहेंगे? वुड यू प्ले विद मी या वुड यू प्ले विद अस, कि हम ये खेल रहे हैं या मैं ये खेल रहा हूँ तो क्या तुम भी मेरे साथ खेलोगे या हमारे साथ खेलोगे, ठीक है। तो किसी को पोलाइट इन्विटेशन देना हो, कोई रिक्वेस्ट करनी हो, तो उसके लिए आप वुड का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अब जो आगे मैं एक्सप्लेन करने लगी हूँ जितने भी वो वुड के कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, जो कि जैसे वुड यू लाइक टू, वुड यू लाइक मी टू, इसी तरह से वुड यू माइंड, इस तरह के ना डिफरेंट किस्म के विल के वुड के स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये बहुत कॉमनली इस्तेमाल होते हैं। नेटिव स्पीकर्स जो हैं वो इंग्लिश स्पीकर्स वो बहुत इसको इस्तेमाल करते हैं, तो इनके क्या मतलब होते हैं? ये एज इट इज़ इस्तेमाल होते हैं, जैसे वुड लाइक टू, ठीक है, ये एज इट इज़ इस्तेमाल होते हैं, इनके मतलब क्या होते हैं और इनको कैसे इस्तेमाल करना है, अब मैं डिफरेंट कुछ वुड के स्ट्रक्चर्स हैं जो आगे मैं आपको एक्सप्लेन करने लगी। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर है वुड लाइक टू, ये कैसे इस्तेमाल होता है? जब आपने किसी से उसकी लाइकनेस पूछनी हो, ठीक है, तो अभी हम तीन एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है वुड यू लाइक टू टी और कॉफ़ी। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में कोई गेस्ट आए हैं और आपने उनसे पूछना है, खाना हो गया है, डिनर हो गया है, अब कुछ लोग शायद टी लेना पसंद करें, कुछ लोग शायद कॉफ़ी लेना पसंद करें, अब आपने किसी से पूछना है कि वो टी लेगा या कॉफ़ी लेगा, तो आप उसे पूछेंगे जाके वुड यू लाइक टू टेक टी और कॉफ़ी, कि क्या आप टी लेना पसंद करेंगे या कॉफ़ी लेना पसंद करेंगे। वुड यू लाइक टू का मतलब ये होगा कि क्या आप पसंद करेंगे, क्या आपको ये अच्छा लगेगा या क्या आप ये चाहते हैं, इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं ना उसमें हम वुड यू लाइक टू या वुड शी लाइक टू या वुड ही लाइक टू, वुड आई लाइक टू, जैसे ठीक है इस तरह के सेंटेंसेस में कि क्या मैं ये करना पसंद करूँगा या क्या वो ये करना पसंद करेगी या क्या वो ये करना पसंद करेगा, तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए हम वुड लाइक टू का जो स्ट्रक्चर है वो इस्तेमाल करते हैं। हमारी सेकेंड एग्जाम्पल है आई वुड लाइक टू हैव डिनर एट 7 o'clock, ठीक है, अभी आप अपनी जाती पसंद जो है वो उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं कि मैं जो हूँ ना वो डिनर 7 बजे लेना पसंद करती हूँ, ठीक है, मैं इससे लेट अगर डिनर हो जाए तो मुझे अच्छा नहीं लगता। कुछ लोगों को आदत होती है कि वो लेट डिनर करना पसंद नहीं करते, वो थोड़ा अर्ली डिनर करना पसंद करते हैं, ठीक है, थीके? जो थोड़े हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, तो वो ये अपनी जो है वो उसको एक्सप्रेस कर रही है कि आई वुड लाइक टू हैव डिनर एट 7 o'clock, कि मैं जो हूँ ना डिनर 7 बजे लेना पसंद करती हूँ। हमारी थर्ड एग्जाम्पल है ही वुड लाइक टू वेयर टक्सीडो टू नाइट, ठीक है, कि वो आज जो है ना उसकी जो लाइकनेस की प्रेफरेंस है वो ये है कि वो आज रात जो है वो टक्सीडो पहनना चाहता है, शायद वो सूट नहीं पहनना चाहता, वो पसंद करेगा कि वो टक्सीडो पहने, सूट ना पहने, ठीक है। अब अगला स्ट्रक्चर है वुड यू लाइक मी टू। अब जो इस तरह का स्ट्रक्चर है उसमें देखिए, उसमें हमने जो पिछला स्ट्रक्चर था ना उसमें एक सिंगुलर की जो पर्सनल चॉइस थी ना उसको हमने एक्सप्रेस किया कि वुड आई वुड लाइक टू, ही वुड लाइक टू, शी वुड लाइक टू, दे वुड लाइक टू, ठीक है, कि मैं ये पसंद करूँगा, वो ये पसंद करेगी या वो ये पसंद करेगा या वो ये पसंद करेंगे, ठीक है, वो एक इस तरह से था। अब ये थोड़ा सा डबल हो गया है, किस तरह से, कि मैं ये चाहूँगी कि तुम ये करो या तुम ये चाहो कि मैं ये करूं या वो ये चाहेगा कि वो ये करे, ठीक है, तो जो इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं कि मैं चाहती हूं कि तुम ये करो या तुम चाहते हो कि
कि मैं ये करूं। तो इस तरह के सेंटेंसेस को आपने जब एक्सप्रेस करना हो, एक्सप्लेन करना हो, तो आप करेंगे वुड यू लाइक मी टू, या वुड शी लाइक यू टू, या वुड आई लाइक ही टू, या शी टू, या यू टू। देखिए, इसके आप सिचुएशन के हिसाब से जो है, आप जो सब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट है, इसको जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप एग्जाम्पल्स देखते हैं। वुड यू लाइक मी टू स्टे हेयर, क्या आप पसंद करेंगे कि मैं यहाँ रुक जाऊँ, मैं स्टे करूँ। ठीक है, आप किसी और की पसंद है मेरे लिए, मेरे एक काम को करने के लिए, कि क्या आप ये पसंद करेंगे कि मैं यहाँ रुक जाऊँ, आपको बुरा तो नहीं लगेगा। ठीक है, तो आपने किसी दूसरे की ओपिनियन, उसकी लाइकनेस पूछी है। आ सेकेंड एग्जाम्पल इज आई वुड लाइक यू टू टेक इंग्लिश क्लासेस, मैं तुम्हारे लिए चाहूंगी कि तुम जो है ना इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन कर लो, तुम वो इंग्लिश क्लासेस लो। ठीक है, अब मैं अपनी जो लाइकनेस है वो किसी दूसरे के किसी काम के करने के लिए एक्सप्रेस कर रही हूँ। ठीक है, ये स्ट्रक्चर को हमने दो लोग, जब एक शख्स किसी दूसरे के लिए कुछ और करने के लिए पसंद कर रहा हो कि तुम ऐसा करो, मैं चाहती हूँ कि तुम ये करो, या वो चाहता है कि मैं ये करूँ, जो इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं उसके लिए ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है। आ थर्ड एग्जाम्पल इज मार्क वुड लाइक सारा टू चेंज हर स्टाइल, मार्क को ये अच्छा लगेगा अगर सारा जो है वो अपना स्टाइल चेंज कर ले। मार्क वुड लाइक सारा टू चेंज हर स्टाइल। हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वुड यू माइंड इफ, इस तरह का स्ट्रक्चर ये होता है कि जब आपने इस तरह के सेंटेंसेस बोलने होते हैं ना, कि क्या आपको बुरा लगेगा अगर ये हो जाए, या मैं ये कर लूँ, या वो ऐसा कर ले, क्या उसको ये बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं ये कर लूँ, या वो ये कर ले, या इस तरह हो जाए। ठीक है, तो जो इस तरह के सिनेरियोज होते हैं, इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं, वुड यू माइंड इफ। और इसकी एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज वुड यू माइंड इफ आई सिट हेयर, आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं यहाँ बैठ जाऊँ। ठीक है, जैसे अक्सर होता है ना कि हम कहीं पब्लिक प्लेस पे जाते हैं और जो पब्लिक सीट्स लगी होती, कोई ऑफिसेज वगैरह पे जाते हैं या इस तरह से, तो कोई साथ में बैठा हुआ है, उसके साथ वाली सीट खाली है और आप उस सीट पे बैठने लगे हैं, और आपने उस साथ वाले इंसान से जो पूछना है कि उसको कहीं बुरा तो नहीं लगेगा, तो आपने बहुत पोलाइटली पूछना है, तो वहाँ पर आप जो है ये वाला स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे, वुड यू माइंड इफ आई सिट हियर, कि आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं यहाँ बैठ जाऊँ। ठीक है, और सेकेंड एग्जाम्पल इज वुड बॉस माइंड इफ आई गो होम अर्ली टूडे, क्या ही बॉस को बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं आज जल्दी घर चला जाऊँ। ठीक है, और थर्ड एग्जाम्पल इज वुड जॉन माइंड इफ आई यूज हिज परफ्यूम, कि जॉन को बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं उसका परफ्यूम इस्तेमाल कर लूँ। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस के, कहीं उसको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं ये कर लूँ, या ये हो जाए, या वो ये कर ले, तो इस तरह के सेंटेंसेस के लिए हम ये वुड यू माइंड इफ का जो स्ट्रक्चर है वो इस्तेमाल करते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्ट्रक्चर, वुड यू माइंड प्लस वर्ब आईएनजी। ये भी हमारे पिछले स्ट्रक्चर की तरह ही है। देखें, जैसे हमने पीछे पढ़ा था वुड यू माइंड इफ, ये भी वैसा ही है, बस थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर चेंज है। देखें, ये दोनों ही इस्तेमाल होते हैं, इसलिए मैंने दोनों यहाँ पर लिखे हैं, ताकि आप कन्फ्यूज ना हो, आपको पता लगे अगर वुड यू माइंड इफ के साथ कोई आ रहा है जुमला तो उसका क्या मतलब है, और अगर वो जुमला इस तरह से आ जाता है कि जिसमें जस्ट वुड यू माइंड लिखा हुआ होता है और उसके आगे वर्ब लगा होता है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो है वो लगी हुई होती है। ठीक है, अगर ऐसा सेंटेंस आ जाए तो इसका भी वही मतलब है, बस जो जुमले बनाने का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज है। ठीक है, आप इसकी एग्जांपल देखते हैं। वुड यू माइंड वेटिंग फॉर मी, क्या आपको बुरा लगेगा कि अगर आप मेरे लिए थोड़ा इंतज़ार कर लें। ठीक है, समटाइम्स होता है ना कि हम कहीं पर होते हैं और कोई हमारे इंतज़ार में होता है और हमें पहुंचने में थोड़ी देर हो रही होती है, आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं और आप उसको कह रहे हैं कि थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा मेरा इंतज़ार कर लो, तो उसको अगर आपने पूछना हो कि तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा कि अगर तुम थोड़ा मेरा इंतज़ार कर लो, तो ऐसे जुमले को आप कहेंगे वुड यू माइंड वेटिंग फॉर मी, कि क्या तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा कि तुम मेरा इंतज़ार कर रही हो, या मेरा इंतज़ार करना पड़ रहा है तुम्हें। ठीक है, तो किसी की वो चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए कि आपको बुरा तो नहीं लगेगा। ठीक है, ये भी एक वही मीनिंग वही है जैसे हमने पीछे पढ़ा था, लेकिन थोड़ा सा सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज है। ठीक है, आवर सेकंड एग्जांपल इज वुड यू माइंड सिटिंग देयर,
कि आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर आप वहाँ बैठ जाएं। देखिए जैसे हमने पीछे पढ़ा ना, वुड यू माइंड इफ आई सिट हेयर, ठीक है कि आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं यहाँ बैठ जाऊँ। अब अगर आपने किसी इंसान को ये कहना है कि तुम ज़रा प्लीज़ वहाँ बैठ जाओ, थोड़ा आगे बैठ जाओ या दूसरी सीट पर बैठ जाओ, और आपने थोड़ा पोलाइटली कहना है आपको बुरा तो नहीं लगेगा, तो आप ये जुमला बोल सकते हैं, वुड यू माइंड सिटिंग देयर, आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर आप वहाँ बैठ जाएँ। ठीक है, ये थोड़ा पोलाइट अंदाज है कहने का। इसी तरह से हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है, वुड शी माइंड कैंसलिंग आवर प्लान, कि उसको कहीं बुरा तो नहीं लगेगा कि हमने अपना जो प्लान है वो कैंसिल कर दिया है, कि हम शायद हो सकता है कि दो तीन फ्रेंड्स ने आपस में कहीं जाने का प्लान किया है और उस प्लान को जो है वो कैंसिल किया जा रहा है, तो आप किसी तीसरी फ्रेंड के बारे में सोच रहे हैं कि वुड शी माइंड कैंसलिंग आवर प्लान, कि हम अपना प्लान कैंसिल कर रहे हैं तो कहीं उसको बुरा तो नहीं लगेगा। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज वुड इट बी ओके इफ, अब ये भी एक स्ट्रक्चर है कि क्या ये आप सही रहेगा कि अगर, और उसके आगे जो अगले जो क्लॉज होगी, जो अगला सेंटेंस होगा, उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस्तेमाल करेंगे। जो ये वाला स्ट्रक्चर है आपने इसमें ये बात याद रखनी है, ध्यान देना है कि वुड इट बी ओके इफ, अगर आप ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके आगे जो आप एक्सप्लेन कर रहे होंगे, जो भी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, उसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। इसकी एग्जांपल देखते हैं, वुड इट बी ओके इफ वी पोस्टपोन आवर टुडेस मीटिंग, क्या ये ठीक रहेगा कि अगर हम आज की मीटिंग जो है वो कैंसिल कर दें। ठीक है, तो हमने ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है यहाँ पर इस्तेमाल किया है। आवर सेकेंड एग्जाम्पल इज वुड इट बी ओके इफ आई सबमिट माई असाइनमेंट नेक्स्ट वीक, क्या ये ओके होगा, ठीक होगा, सही रहेगा अगर मैं अपनी जो असाइनमेंट है वो नेक्स्ट वीक सबमिट करवा दूँ। हो सकता है आपकी डेडलाइन आ रही है लेकिन आप असाइनमेंट प्रिपेयर नहीं कर सकते, तो आप अपने टीचर को जाके पूछ रहे हैं या किसी को भी पूछ रहे हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि वुड इट बी ओके इफ आई सबमिट माई असाइनमेंट नेक्स्ट वीक, कि क्या ये ठीक रहेगा अगर मैं अपनी असाइनमेंट जो है वो नेक्स्ट वीक सबमिट करवाती हूँ या करवाता हूँ। ठीक है, अब थर्ड एग्जाम्पल इज वुड इट बी ओके इफ ही कम्स अलॉन्ग अस, कि क्या ये ठीक रहेगा अगर वो भी हमारे साथ आ जाए। ठीक है, हो सकता है कि कहीं आपका कोई दोस्त, आपका भाई बहन, कोई भी जो है वो आपके साथ जा रहा है और आप जहाँ पर आप जा रहे हैं आपने वहाँ पर लोगों से पूछना है कि उनको कहीं बुरा तो नहीं लगेगा, कहीं ये मुनासिब रहेगा, क्या ये ठीक रहेगा कि वो भी हमारे साथ आ जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज वुड दैट, अब वुड दैट जो है वो ऐसे सेंटेंसेस में इस्तेमाल होता है जहाँ पर आप अपनी बड़ी स्ट्रॉन्ग विश जो है उसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। कोई भी चीज़ है जिसकी ख्वाहिश आपके अंदर बड़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, उस स्ट्रॉन्ग ख्वाहिश को एक्सप्रेस करने के लिए आप वुड दैट का इस्तेमाल करते हैं। देखिए आई विश जो होती है ये जो सेंटेंस होता है इसका भी मतलब यही होता है कि ही विश्ड, आई विश, या शी विश, शी विशेज, या विश्ड, इस तरह के जो सेंटेंसेज होते हैं उसमें भी ख्वाहिश को ही एक्सप्रेस किया जा रहा होता है। लेकिन अगर किसी ख्वाहिश को आपने बहुत स्ट्रांगली एक्सप्रेस करना हो कि ये मेरी बहुत स्ट्रांग ख्वाहिश है, तो उसके लिए फिर आप आई विश की जगह पे वुड दैट जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स देखते हैं। इसकी फर्स्ट एग्जांपल है वुड दैट आई वाज टॉलर, काश के ऐसा होता कि मैं लंबा होता। हो सकता है कि आपकी हाइट छोटी है और आपके अंदर बड़ी स्ट्रॉन्ग ख्वाहिश है कि मेरी जो हाइट है ना वो थोड़ी लंबी होती, मैं टॉलर होता। तो ऐसी जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को, स्ट्रॉन्ग ख्वाहिश को अगर आपने एक्सप्रेस करना हो तो उसमें आई विश की जगह पर आप वुड दैट लगाते हैं, वुड दैट आई वॉज टॉलर, कि काश के मैं लंबा होता। ठीक है, आगे इसकी सेकेंड एग्जाम्पल है वुड दैट आई हैव सीन माई फादर, कि काश कि मैंने अपने फादर को देखा होता। हो सकता है, समटाइम्स होता है दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके जो फादर्स हैं शायद उनके पैदा होने से पहले ही समटाइम्स ऐसा होता है कि वो शायद फोत हो चुके हैं, या हो सकता है कि वो शख्स बहुत छोटा था, बहुत बचपन में था, तो जब उसके फादर की डेथ हो गई तो हो सकता है बड़े होकर उसके जो दिल में ये बड़ी स्ट्रॉन्ग ख्वाहिश है कि काश मैंने अपने फादर को देखा होता। तो इस स्ट्रॉन्ग ख्वाहिश को एक्सप्रेस करने के लिए वो आई विश की जगह पर वुड दैट का इस्तेमाल कर है कि वुड That I have seen my father, कि काश कैसा हुआ होता कि मैंने अपने फादर को देखा होता। ठीक है, our third example is would that I have passed the exams, हो सकता है आपने एग्जाम्स दिए और आप फेल हो गए और इसका बहुत ज़्यादा रिग्रेट है और आपको बहुत ज़्यादा वो ख्वाहिश हो रही है कि काश जो है ना मैंने अपने एग्जाम्स जो हैं वो पास कर लिए होते। तो आई विश कहने की जगह पे चूंकि वो स्ट्रॉन्ग ख्वाहिश है आपकी, तो वो स्ट्रॉन्ग ख्वाहिश को एक्सप्रेस करने के लिए आप कह रहे हैं वुड दैट आई हैव पास्ड द एग्जाम्स, कि काश कैसा होता कि मैं एग्जाम्स पास कर लेता। ओके,
ओके जी, वुड का जो लास्ट इस्तेमाल है वो है कंडीशनल्स, सेकेंड एंड थर्ड कंडीशनल्स। अच्छा, कंडीशनल्स के ऊपर मैंने एक पूरा लेसन तैयार किया हुआ है जिसमें मैंने चारों कंडीशनल जो है, जीरो, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड कंडीशनल्स जो है, वो पूरी डिटेल के साथ जो है वो मैंने इसमें एक्सप्लेन की है। उस लेसन का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर समझिएगा, क्योंकि आपको कंडीशनल्स डिटेल के अंदर वहाँ ही समझ में आएंगी, क्योंकि उसको मैंने पूरी डिटेल के साथ उस लेसन को प्रिपेयर किया है, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा टच कर देती हूँ उसमें, क्योंकि इसकी जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो मैंने उस लेसन में दे दी हुई है, तो आप उस लेसन को देख लें तो आपको कंडीशनल्स में समझ आ जाएंगे, क्योंकि हम वुड जो है वो सेकेंड और थर्ड कंडीशनल्स में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जो हमारी सेकेंड और थर्ड कंडीशनल्स हैं वो इमेजिनरी जो सिचुएशंस होती हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो जो सेकेंड कंडीशनल है वो प्रेजेंट की इमेजिनरी जो सिचुएशन होती है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, और जो थर्ड कंडीशनल है वो पास्ट की जो इमेजिनरी सिचुएशन होती है जो कि गुजर चुका होता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसको पूरी डिटेल के साथ मैंने अपने कंडीशनल लेसन में एक्सप्लेन कर दिया है, आप काइंडली वहां जाकर उस लेसन को देख लें, आपको डिटेल में समझ आ जाएगी। इसकी मैं थोड़ा सा टच करती हूँ, इसकी फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इफ आई गॉट दिस जॉब आई वुड वर्क हार्ड, ये सेकेंड कंडीशनल का सेंटेंस है। इसका स्ट्रक्चर ये होता है कि जो उसकी फर्स्ट क्लॉज होती है जो इफ क्लॉज है उसके अंदर हम पास्ट जो सिंपल पास्ट टेंस है उसको जो है वो इस्तेमाल करते हैं, और जो हमारी सेकेंड क्लॉज होती है उसमें हम वुड लगाते हैं। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने ये जॉब हासिल कर ली तो मैं बहुत मेहनत करूँगा। ठीक है, ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है, ये रियल सिचुएशन नहीं है, वो एक इमेजिनेशन कर रहा है कि भाई अगर मुझे ये जॉब मिल गई तो मैं बहुत मेहनत करूंगा। ठीक है, आर सेकेंड एग्जाम्पल इज, ये जो है ये थर्ड कंडीशनल से रिलेटेड एग्जाम्पल है, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो ये होता है कि आप जो इफ क्लॉज होती है उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस जो है वो इस्तेमाल करते हैं, और जो हमारी सेकेंड क्लॉज होती है आप उसमें वुड हैव का इस्तेमाल करते हैं, और ये इमेजिनरी सिचुएशन एक्सप्लेन करती है जो कि पास्ट में एक इवेंट हो चुका होता है और वो इवेंट कंप्लीट हो चुका होता है। ठीक है, एक पास्ट में हुए हुए इवेंट के बारे में होती है ये। ठीक है, इसको डिटेल में आप इफ कंडीशनल का जो मेरा लेसन है उसमें देख लें। तो इसका सेंटेंस देखते हैं, इफ यू हैड स्टडीड यू वुड हैव पास्ड द एग्जाम्स, कि अगर तुमने पढ़ाई की होती तो तुम एग्जाम पास कर चुके होते। ठीक है, ये पास्ट का एक इवेंट है जो हो चुका हुआ है और उसके बारे में जो है ना वो कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये रियल सिचुएशन नहीं है, ये पास्ट की इमेजिनरी सिचुएशन है। इसको आप डिटेल में जो है वो इफ कंडीशनल के सेंटेंस में देख लें। Okay friends, our lesson has come to the end. I hope all your confusion related to wood has been cleared now. And if you found this lesson useful, then kindly like, comment and share this video. Share this video with your friends. And if you haven't subscribed to my channel, kindly subscribe to my channel. It really motivates me to make more lessons. And I'll see you in next lesson. Allah Hafiz.